ओम श्री सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से उद्धृत विविध प्रेरणा प्रसंगों का संक्षेप संकलन, सत्संग वर्खा भाग 5। वृद्ध जनों का सम्मान होना चाहिए। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, परिवार या समाज में वृद्धों का सम्मान होना चाहिए। वृद्धों को कम दृष्टि से ना देखें। जैसे गाय बेचारी वृद्ध हो जाती है तो उसे हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं या गौशाला में भेज देते हैं, ऐसे ही हम वृद्धों को या तो सताते हैं या वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कहने का तात्पर्य, बड़ी उम्र वालों की कदर करनी ही चाहिए। सद्गुरु महाराज कहते हैं, वृद्धों का होश, जवानों का जोश, धनवानों का कोश। धनवानों का धन, जवानों की मेहनत एवं वृद्धों का अनुभव या अक्ल, यदि जीवन में इन तीनों का गठजोड़ करके चलेंगे तो देश का, समाज का, जाति का, परिवार का कार्य ऐसा सुचारू चलेगा जो स्वर्ग से भी कहीं अधिक होगा। अगला प्रसंग, हिंदुस्तानी धन्य है। एक बार तीन आदमी आपस में मिले, एक रूसी, दूसरा अमेरिकन और तीसरा हिंदुस्तानी। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि आपके देश ने कौन कौन सी तरक्की की है। पहले अमेरिकन ने कहा कि हमारे देश ने इतनी तरक्की की है, ऐसे ऐसे विमान निर्मित किए हैं जो आकाश से एकदम मिलकर चलते हैं। रूस वाला कहने लगा, अरे आकाश से मिलकर कैसे चलेगा। अमेरिकन कहने लगा, ऐसे समझो चार उंगली नीचे। फिर रूसी आदमी ने कहा, ऐसे कहो ना कि आकाश से चार उंगली नीचे। अब रूस वाले ने कहा कि हमारे देश ने ऐसी तरक्की की है जो हमारे वैज्ञानिक है ना, समुद्र तल से मिलकर चलते हैं। तब अमेरिकन कहने लगा, अरे समुद्र तल से मिलकर कैसे चलेंगे। तब रूसी ने कहा, चार उंगली ऊपर। अब हिंदुस्तानी की बारी आई, उसने क्या कहा, हमारा देश ऐसा है कि दूसरे सभी लोग मुंह से खाते हैं परंतु हिंदुस्तानी नाक से खाते हैं। तब उन दोनों ने कहा, अरे भाई नाक से कैसे। हिंदुस्तानी ने कहा, चार उंगली नीचे। तब उन्होंने कहा, आप हिंदुस्तानी धन्य हो, आपको नमस्कार है, आप जहां जाते हो अपना यश फैला कर आते हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।